तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइंस, एम आई राइट? यस यस सर, या तो ऑल ऑफ यू हैव रिवाइज्ड, आई होप सो, यस सर, यस एंड सर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना? तो वी हैव डिस्कस्ड टिल इरिगेशन, यस सर, प्रिपरेशन, इरिगेशन, सॉइल, एडिंग, इरिगेशन, है ना? इरिगेशन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वीडिंग, वीडिंग। रिमूव वीडिंग ऑफ वीड, दिस इज लेक्चर नंबर फिफ्थ। फिफ्थ, वीडिंग, व्हाट डज वीडिंग मीन? सर, रिमूविंग ऑफ रिमूविंग द द प्रोसेस प्लांटेड ऑफ प्लांट्स, रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यस, रिमूवल ऑफ, रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल दैट इज कॉल्ड वीडिंग फ्रॉम वेरी गुड, द फील्ड. एक्सेस ऑफ अनवांटेड प्लांट्स और क्रॉप्स नोन एज वीडिंग, है ना? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। व्हाट आर द मेथड दैट वी यूज टू रिमूव द क्रॉप्स? व्हाट आर द टूल दैट वी यूज टू रिमूव द क्रॉप? सर सीकल, तो द फर्स्ट वन दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ इज खुरपी। डू यू नो खुरपी, यस सर, जो इस टाइप का यस होता है सर, ना, ऐसा होता है। यस, यहां से यहां तक पकड़ने का होता है यस सर, खुरपी। दिस इज नोन एज खुरपी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यस सर, वी द फार्मर्स रिमूव द अनवांटेड प्लांट सो दैट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द सॉइल और द मिनरल्स ऑफ द सॉइल शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनवांटेड प्लांट्स, एम आई राइट? यस सर, यस यस सर, सर। ऑल्सो वी यूज सीड ड्रिल, वी विल सी। ऑल्सो वी आर यूजिंग स्प्रेइंग 2,4-D। आइए देखते हैं व्हाट डज सीड ड्रिल मीन, है ना? सीड ड्रिल कैसा होता है? यस, दिस इज द मशीन। ओके, दिस इज बेस्ड फॉर सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है कि जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये भी है, देखिए सीड ड्रिल का ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर इनका, बहुत फंक्शनैलिटीज होती हैं इसमें, और ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर टिल नाउ यूजिंग खुरपी ओनली। गॉट द पॉइंट? यस सर, बट
आई हैव रिटन हियर द थर्ड पॉइंट, स्प्रेइंग 2,4-D. ये होता तो है बट कभी भी फार्मर्स डू नॉट कैरी आउट दिस थिंग. वाई सर? सर स्प्रेइंग 2,4-D का मतलब है एक केमिकल है ना, जिसको स्प्रे यदि कर देंगे ना तो वो क्या होगा, मर जाएगा, है ना. जो भी प्लांट है अनवांटेड प्लांट, जिस भी प्लांट पे ये स्प्रे होगा वो प्लांट मर जाएगा. तो फार्मर्स डरते हैं कि भाई मैं गया स्प्रे करने के लिए और गलती से हाथ थोड़ा सा हिल गया तो कहाँ चला जाएगा, मेरा जो खुद का प्लांट क्रॉप्स पे, है क्रॉप पे चला जाएगा, है ना. और क्रॉप पे चला गया तो क्रॉप भी बर्बाद हो जाएगा, एम आई राइट, क्रॉप भी मर यस सर, जाएगा. तो यस यार जिसके लिए हम लोग मतलब इतना मेहनत करे, यदि मैं उसी को खत्म कर दूं तो व्हाट इज द बेनिफिट, इज देयर एनी बेनिफिट, बेनिफिट नो सर, नो टोटली नो. नो, है ना. तो देयर फोर फार्मर्स डू नॉट कैरी आउट स्प्रेइंग मेथड टू किल द अनवांटेड प्लांट और टू रिमूव द अनवांटेड प्लांट्स. दे डू नॉट यूज दिस स्प्रेइंग मेथड. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मोस्ट ऑफ द फार्मर यूज विच मेथड, खुरपी मेथड, खुरपी, खुरपी मेथड, है ना. गुड. यस नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग, वेरी वेरी गुड, हार्वेस्टिंग. रिवाइज करके आए ना आप लोग सब. यस सर, सर हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है सर? सर कटिंग सर ऑफ द कटिंग ऑफ क्रॉप, वेरी गुड, चॉपिंग अप और द कटिंग अप. क्रॉप विच इज प्रिपेयर्ड दैट शुड बी कट फॉर कटिंग ऑफ, ऑब्टेनिंग सर व्हाट आर द मेथड्स और व्हाट आर द टूल्स दैट वी यूज? सर हार्वेस्टर, सर सिकल, वेरी सिकल गुड, सर सिकल ऑल्सो, एंड सिकल, हार्वेस्टर ऑल्सो, हार्वेस्टर, है ना. बट लेकिन हार्वेस्टर इज मोर एक्सपेंसिव, यस वेरी गुड, एज इट इज अ मशीन, है ना, तो इट इज मोर बट एक्सपेंसिव, नॉट सिकल, मोर एक्सपेंसिव. तो अभी भी मैक्सिमम फार्मर्स सिकल, आप लोग शायद आर देखे होंगे यूजिंग इस सिकल, टाइप का यस होता है. सर, यस सर, हाँ सुबह बोलते हैं सिकल सर, विल नाउ दी हाँ पीपल ऑफ गुड गुड विलेज आर गुड गुड, यूजिंग, हंसुआ बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना. यस राइट, मैं भी अपने घर पे इसको हंसुआ ही बोलता हूँ, मेरे घर पे है ना तो इसलिए मैं जानता हूँ. इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस साइड होता है पकड़ने वाला, ऐसे थोड़ा हेल्दी सा होता है ना, यहाँ पे ऐसे सर पकड़ बहुत, लेते लेकिन हैं. जल्दी जल्दी कट जाता है यस राइट, और ऐसे काटते क्यों, चले ऐसे जाते हैं. कटता है सर, सर ये इससे कटता है, इससे, इस वाले पार्ट से, है ना. ये एकदम पता जैसे नहीं चल रहा, आपकी चिलोही, जानते हैं आप लोग चिलोही, बैठी, यस सर, पिरदान जिससे मम्मी का सर, प्याज, हाँ पिरदाई जिसको बोलते हैं, प्याज आलू ये सब कट करती है ना उसको, है ना. उसी की तरह वो इसका, इसका भी धार बहुत तेज होता है. ओके, और सीकल को ऐसे पकड़ते हैं फार्मर और ये कट 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 काटते चले जाते हैं बहुत सारे मिलकर. तो सर जल्दी हम से, लोग के लैंग्वेज में सर उसको फसल कहते हैं, अच्छा फासुल कहते हैं, हाँ राइट राइट राइट, पासुल जो कहते हैं ना जो मम्मी सब यूज करती है ना. तो वो जितना तेज धार रहता है उससे भी तेज धार इसका रहता है, शार्प एज इसका रहता है सीकल का. अब सोचिए उतना सीकल का इतना शार्प एज रहता है कि जैसे लगा के क्रॉप पे ऐसे लगाया, थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं ना, बस हो क्रॉप जाता क्या है ना, हुआ, जय श्री राम हो जाता है. हाँ कट गया सर, राम नाम सत्य हो जाता है क्रॉप का, है ना. तो स्टिल मोस्ट ऑफ द फार्मर आर यूजिंग सीकल मेथड ओनली, सीकल है ना. अब जो गरीब किसान है मेरे जैसे तो वो क्या करेंगे, सिकल मेथड का करेंगे. अब जो आपके जैसे अमीर किसान होंगे वो हार्वेस्टर वाला यूज करेंगे. सर हम लोग अमीर है सर, सर ऐसा अरे नहीं, मान लीजिए, अरे
अरे दिल से अमीर है ना, बस बात खत्म। आइए सर, हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है सर? हेलो, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। स्टोरेज ऑफ सर, स्टोरेज ऑफ फूड। ये देखिए सिद्धि, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। बहुत मारेंगे सिद्धि, बुक में दिया हुआ था। देखे देखे देखे, अरे अरे अरे, आर यू सबमिटिंग द नोट्स और नॉट? सर सबमिटेड सर। देन व्हाई आर यू टेलिंग के बुक में दिया हुआ था? भाई हम लोग इसके पहले वाला, चलिए तो कहाँ गया मेथड्स? नहीं सर, सर हमको याद है सर, तो बुक में दिया हुआ था, आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए तो राइट, आई नो आई नो, वो हो जाता है कभी कभी मिस माइंड। थ्रेसिंग एंड विनोइंग, इसका मतलब क्या होता है सर? सर ग्रेन्स और हाँ बोलिए सर, सेपरेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द क्रॉप। वेरी गुड सर, ग्रेन्स और चाफ, या सर चाफ कॉलम। यस सर, रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन, मतलब देखते हैं वो धान जब कटता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे धान फिर ऐसे कट गया मान लीजिए, या हार्वेस्टिंग कर लिए, कट दिया, उसके बाद ऐसे झाड़ते हैं ना पटक पटक के, येलो तड़तड़ बहुत सारे मिलकर, तो वो क्या करते हैं धान का एक एक बीज को अलग करते हैं और वो जो लंबा लंबा हस्क होता है उसको अलग करते हैं, है ना? जिसको हम लोग हिंदी में पुआल बोलते हैं, है ना? राइट right. तो सर इसके लिए कौन से टूल्स का यूज करते हैं या कौन से मेथड का यूज करते हैं सर? तो सर सर इसमें झरनी, सर विंड मेथड भी यूज, या थ्रेसर मशीन भी यूज कर लेते हैं। यस सर, है ना, आजकल बहुत एडवांस एडवांस मशीन आ गया है जो सीधे कट भी करेगा एक ही जगह पे, फील्ड में जाएगा कट करेगा, वहीं पे थ्रेसिंग भी कर दिया, सब चीज कर दिया, जाओ भाई मजा लो, है ना? सर सर हाँ हाँ, और मैनुअली भी करते हैं, है ना? जो आप बोले ना अभी वीडिंग मेथड, विंड है वो लोग, सॉरी सर हाँ सर हाँ बोलिए बोलिए सर। एक मेथड होता है जिसमें जो लेडी या फिर कोई भी जेंट्स होते हैं सर, वो सूप रखते हैं और हवा के मदद से वो लोग, मतलब कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उड़ जाते हैं और ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं। राइट right, वही देखिए यहाँ पे मैं लिखा, देखिए विनोइंग उसको बोलते हैं ना, विनोइंग रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, है ना? वो ऐसे कर रहे हैं और अपोजिट में फैन लगा देते हैं और वो फैन वो जो हस्क होता है उसको ऐसे उड़ा देता है थोड़े दूर तक, और वो जो पार्टिकल होता है जैसे राइस है तो राइस वहीं पे ऐसे गिरता चला जाता है। सर थ्रेसिंग मतलब वही होता है सर, और विनोइंग मतलब वही? नहीं, विनोइंग मतलब चुनना, है ना? थ्रेसिंग का मतलब जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे धान, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, धान का खेत देखिए, धान का खेत, तो जैसे अभी मान लीजिए हार्वेस्टिंग कर लिए, सब धान को कट कर लिए, तो एक जगह रखते हैं, फिर बंडल उसका बनाते हैं सारे किसान। यस सर, बंडल बना बना के रख दिए एक जगह, अब क्या हुआ, अब उसको थ्रेसिंग का मतलब जैसे उसको पटक पटक के धान अभी निकाल रहे हैं, है ना? धान निकाल रहे हैं, एक एक धान का दाना निकल गया, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। विनोइंग क्या बोलते हैं, अब धान को बोलते हैं भाई धान को चलो कुटा लेते हैं, बोलते हैं तो धान को कुटाते हैं तो निकलता है राइस, है ना? और उस हाँ उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल रहता है, तो उसके लिए जो सिद्धि बोली कि सर वो जो सर ऐसे सूप से करते हैं और उसको, है ना, वही है विनोइंग, है ना, कि ऐसे सूप से किए हैं, हस्क दूर चला जा रहा है और राइस वहीं पे, राइस का दाना क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, दैट इज विनोइंग। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर, गुड। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोरिंग, स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोरेज, कि भैया सब तुम मेहनत कर लिए लेकिन स्टोरेज यदि अच्छे से नहीं कर पाए तो सारा क्या होगा सर, बर्बाद हो जाएगा। तो ये स्मॉल
स्मॉल स्केल हो सकता है या फिर लार्ज स्केल। इसका मतलब क्या सर? मतलब मान लीजिए कि कोई फार्मर है, से धान नहीं पटके और उसमें से कम ही निकला, और जिसमें पटके उसमें ज्यादा निकला। नो सर, स्मॉल ज्यादा स्केल मतलब लार्ज देखो मैं एक अमाउंट किसान ऑफ था जिसके पास सर बस लार्ज अमाउंट ऑफ द यस ग्रेन्स। या है ना। स्मॉल स्केल का मतलब मेरे पास मान लीजिए बस 100 kg 100 kg राइस है, और आपके पास मान लीजिए 1000 kg राइस है। तो मींस आपके पास ज्यादा अमाउंट में है और मेरे पास लो अमाउंट में है ना, लेस अमाउंट में। तो मैं बोलूंगा मैं स्मॉल स्केल वाला फार्मर हूं, आप लार्ज स्केल। तो उसके लिए आपको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, और मेरे को स्मॉल स्केल का फार्मर हूं तो मेरे को स्मॉल कैपेसिटी का स्टोरेज हाउस चाहिए। तो स्मॉल यस स्केल वाले के लिए क्या चाहिए भाई? कैसे सर, जूट रख लेते हैं? बैग्स। जूट बैग्स का हेल्प ले लेते हैं। जूट बैग्स का मतलब बोरा, बोरा जानते हैं ना? यस सर। यस। या फिर मेटालिक बीन्स। आप लोग रुकिए मैं दिखाता हूं कैसा होता है मेटालिक बीन्स। मेटालिक बीन्स का भी यूज करते हैं, देखिए मेटालिक बीन्स सीन सर कैसा होता ऑलरेडी। है। मेटालिक चलिए अरे बीट्स क्यों लिख दिया, बीन्स ही था। बीन्स मेटालिक बीन्स में क्या होता है? देखिए आया था यार ये, देखिए है ना, इस टाइप का होता है वो बहुत छोटा हो गया सर। ये। मतलब मेटालिक बीन्स का मतलब ऐसी डब्बा जैसा होता है, पूछ रहा हूँ स्टील का या मेटल का, फिर स्टील का। है ना मेटल का है ना, जिसका जैसा इसमें रखते हैं है ना, यस क्योंकि सर। स्मॉल स्केल वाले हैं। गॉट इट? जैसे आप देखते होंगे घर में जो चावल या दाल या गेहूं ये सब रखा जाता है, या आटा, तो ऐसे ही वाले में रखा जाता है। एम आई राइट? है ना। यस सर। यस तो जो सर। स्मॉल स्केल के फार्मर्स होते हैं ना, तो वो या तो मेटालिक बीन्स का यूज कर लेते हैं रखने के लिए, या फिर जूट बैग्स मतलब बोरा का यूज कर लेते हैं। और लार्ज स्केल वाले जो फार्मर्स होते हैं उन लार्ज लोगों को टैंक्स। टेंशन होता है ना। उन लोग यूज करते हैं क्या? ग्रेनरीज। सर ये ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेन सिलोज। ग्रेनरीज मींस ग्रेनरीज बड़ा उसको टैंक। बोलते हैं, एक स्टोरेज हाउस जैसा होता है ना, स्टोरेज हाउस सर विच हेल्प्स टू स्टोर व्हाट? क्रॉप्स और ग्रेन्स इन अ प्रॉपर वे। सर प्रॉपर वे का मतलब, प्रॉपर वे का मतलब है सर, मीन्स देखिए टेकिंग केयर। प्रॉपर वे का मतलब है, प्रॉपर वे का मतलब है वेन एवर देर इज अ नीड ऑफ सनलाइट और ड्राइंग और ट्रांसफरिंग देन दीज फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल इन ग्रीनरीज ओनली। देन ऑल दीज सर आफ्टर सनलाइट बात सनलाइट और ड्राइंग मतलब कि यदि सुखाना है, मान लीजिए कि बरसात हुई थोड़ा सा भीग गया तो मेरे को सुखाना है, तो उसी के अंदर ऐसा एरिया भी रहता है ना, वहां पे मैं उसको सुखा भी सकता हूं।
या फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, तो उसी के अंदर इतना सफिशियंट एरिया रहता है कि चलो यार यहां से हटा के यहां पे लाके रख देते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। है ना, बहुत बड़ा होता है ग्रेनरीज, ये एक स्टोर हाउस की तरह होता है। या फिर ग्रेनरीज यूज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं सर? सिलो यस, सिलो है ना, सिलोज यूज करते हैं। द सेकेंड थिंग इज, द फर्स्ट वन वाज ग्रेनरीज एंड द सेकेंड वन इज सिलोज। सर ये क्या होता है, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, इतना अच्छे से कवर्ड रहता है ये कि इसमें कुछ नुकसान होगा ही नहीं होगा, है ना। एकदम जैसे आप रखे हैं वैसा ही आपकी क्वांटिटी एकदम एज इट इज रखी रहेगी, उसमें ना कुछ कीड़ा लगने वाला। इसके अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी होती है, दीज आर सिलॉस। ओके, गॉट द यस पॉइंट? सर, यस यस सर, राइट। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस सर, यस 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 प्लीज। सर, द क्लॉज इज रॉन्ग। SILOS। यस सर, ओके, ऑल SILOS। सो द स्पेलिंग ऑफ सिलॉज विल बी SILLOS। वेट, लेट मी चेक ऑन नेट। नो सर, डिड यू मीन सिलोस? लेट मी चेक सिलोस। ओके, SILOS। ओके, यस सर, डिड यू गेट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस यस सर, तो इफ नाउ आई विल आस्क टू यू कि भाई टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। कैन यू टेल मी एनीवन? यस सर, यस या सर, डू फास्ट। सर मोड सिस्टम, गुड, चेन पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम, डेकली, वेरी गुड, मॉडर्न मेथड, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, वेरी स्प्रिंकल गुड। सिस्टम, हार्वेस्टिंग, व्हाट आर द टूल्स वी आर यूजिंग इन हार्वेस्टिंग? सर सिकल, सिकल, हार्वेस्टर, वेरी गुड। व्हाट आर द टूल्स वी आर यूजिंग इन थ्रेसिंग? थ्रेशर सर, थ्रेशर, थ्रेशर मशीन एंड और मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड वी आर यूजिंग, है मैनुअल ना, दैट इज विंड मेथड। ओके, एंड वन मोर थिंग, है ना, राइट नाउ द मशीन इज, यू नो, ऑल ऑफ यू नो दैट डे बाय डे द एडवांसमेंट इज गोइंग ऑन इन दिस मॉडर्न, यस है ना। तो अब जानते हैं थ्रेसर प्लस हार्वेस्टर आ गया है मशीन, मतलब दोनों एक ही साथ होता है, हार्वेस्ट भी करता जाता है और थ्रेसिंग भी करता जाता है, तो कॉम्प्लेक्स मशीन आ चुका है ना। कंबाइन इट इज कॉल्ड, यस, कंबाइंड मशीन। गॉट द पॉइंट? यस सर, कंबाइंड मशीन भी आ चुका है। तो आई होप कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अभी तक जितना पढ़े हैं इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एम आई राइट? यस यस सर। Now yes, we are moving towards yes, sir, there is no animal husbandry. Yes, sir. So first of all, writing the process
लाइट कट गया, बाय विच एनिमल्स आर रियर्ड इन होम्स और फार्म्स विद प्रॉपर फूड एंड केयर शेल्टर एंड केयर वेरी गुड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज देम फॉर लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन. सर समझ में नहीं आया सर. ऑल ऑफ यू हैव रिटन? नो सर प्लीज वेट. नो सर वेट. नो सर वेट. वेटिंग 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 वेटिंग. Yes, sir. Done. Okay. No, sir. Wait, wait, wait. Just waiting, waiting. Yes, sir. Continue. तो आई होप दैट एनिमल के बारे में आप लोग सब जानते होंगे. यस सर. तो आप लोग कभी सोचे कि ये जो आप पहनते हैं सीप को देखें, सीप को देखें आप लोग. यस सर. तो ये जो जैकेट वगैरह ठंड में पहनते हैं तो ये सब कैसे बनता होगा? यस सर फ्रॉम एनिमल्स स्किन. राइट राइट. It means animal husbandry deals with कि जैसे किसी को देखें कि पोल्ट्री फार्म करता है, पोल्ट्री मुर्गा ये सब के बारे में सुने, पोल्ट्री टाइप का. यस सर. या फिर या ये देसी चिकन है, ये है पोल्ट्री वाला चिकन, है ना? ये पोल्ट्री वाला नहीं खाना चाहिए, अच्छा स्वाद नहीं रहता, ये देसी वाला में ज्यादा प्रोटीन ये सब रहते हैं. यस सर. अब जो नहीं खाते उनके लिए नहीं, जैसे मैं खाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सॉरी. हेलो. यस सर. या तो उसमें क्या होता है, जिस मेथड से जैसे भी हम लोग रखते हैं ना एनिमल्स को अपने घर में, है ना, घर में रखे या फिर किसी एरिया को अलोकेट कर देते कि इसमें बस भाई कहीं देखें, कहीं ऐसा फार्म वगैरह देखें जहां पे बस एनिमल्स रह रहे हो, काऊ है तो काऊ बस दिख रहा है. एग्रीकल्चर फार्म कभी देखें जहां पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री ही रह रहा है ना. बफेलो है तो बफेलो है बस, काऊ है तो काऊ है. यस सर. फीस है तो फीस है. यस सर. तो उसको बोलते हैं एक ही जगह पे यदि एक ही टाइप के एनिमल्स हैं तो उनको बोलते हैं फार्म, है ना. मींस बहुत जैसे हम लोग ही बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहे, देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन द पीपल, तो वो उसको भी एक फार्म बोलेंगे, है ना. जैसे हम लोग अपने टर्म में क्या बोलते हैं, एरिया, कि भाई ये संपतचक एरिया हो गया, या विलेज बोलते हैं, ये हो गया शाहपुर, या कॉलोनीज बोलते हैं, ये हो गया उदयनी, ये हो गया जगनपुरा, है ना, ये हो गया पटना. यस सर.
तो उसी प्रकार जब हम लोग एनिमल्स के फील्ड में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं फार्म, मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं तो फार्म यूज करते हैं। तो हम लोग किस तरीके से, किस मेथड से रखते हैं सारे एनिमल्स को, सो दैट है ना वी कैन यूज दैट एनिमल्स फॉर अ लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए मैं 100 मुर्गी रखा हूं, है ना, मान लीजिए अब मैं क्या करूं कि 100 से 200 हो जाए, फिर 300 हो जाए, फिर ऐसे लार्ज स्केल बढ़ता चला जाए, तभी तो मेरे कंपनी बढ़ते जाएगी, नहीं तो 100 पे 100 में ही रह जाऊंगा, तो वहीं रह जाऊंगा। तो व्हाट आर द मेथड्स दैट वी आई एम फॉलोइंग, हाउ मच आई एम केयरिंग फॉर द व्हाट आई हैव डन इन द फार्मिंग, मींस आई एम केयरिंग और नॉट, आई एम गिविंग अ प्रॉपर फूड, सप्लाइंग द प्रॉपर फूड टू द एनिमल्स और नॉट, कि बस भाई ठीक है ना, ये हेन है रहने दो, जितना हो रहा है सब, जो मर रहा है कोई बात नहीं, जो मर रहा है मरने दो। नो, नॉट लाइक दैट। क्या मैं सही से उसके रहने की व्यवस्था किया हूं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा हूं? इफ आई हैव प्रोवाइडेड, आई एम गिविंग सप्लाइंग द फूड फॉर देम, आई हैव प्रोवाइडेड अ एरिया, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम, देन इट मीन्स दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, है ना, सो दैट वी कैन यूटिलाइज फॉर द लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन, है ना। सोचिए, यस सर, अब मैं हेन रख लिया हूं, पोल्ट्री फार्म खोल दिया हूं, और मेरे को कोई भी टेंशन ही नहीं है कि यार मैं केयर कर रहा हूं कि नहीं, देख रहा हूं कि नहीं कितना। तो मार्केट में पता चला आज मैं 100 अंडा सप्लाई किया, 100 एग सप्लाई करा, और कल होकर पता चला भाई 0 एग, तो मेरे से जो लेने वाला वो भी गाली देता रहेगा, क्या भाई तुम जब डेली सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ऐसा पोल्ट्री फार्म खोल कर बैठे हो, एम आई राइट, या मिल्क का ही सप्लाई कर रहे हैं? तो मिल्क डेली सप्लाई करोगे ना, कि एक दिन सप्लाई कर दोगे, फिर दूसरा दिन जो कस्टमर है नहीं भैया आज तो नहीं है, तो आपके शॉप में कोई जाना चाहेगा? नो नो सर, नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दे विल चूज अदर्स वन, है ना, जहां पर डेली सप्लाई होगा। तो एनिमल हस्बेंड्री मींस द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स आर रियर्ड इन होम्स और फार्म्स विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर in order to utilize them for large scale food production। तो इसमें दो तीन चीज बहुत ये है कि food, shelter, care कर रहे हैं कि नहीं, क्यों, ताकि utilize कर सके large scale food production के लिए, either in homes or in farms। All of you got the point? Yes, for example, sir. Yes, sir. Example क्या लिखे सर, बताइए, पोल्ट्री है ना, काउ, यस, डेयरी फार्म, बफेलो, शीप, सब पेसी कल्चर है ना, चिकेंस, हाँ, फिर काउ, बफेलोस, शीप है ना, BUFFALO होता है ना, पोल्ट्री फार्म, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे ऐसे होंगे। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर। नाउ इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज क्रॉप, नाउ आई थिंक यू कैन आंसर। यस सर, बताइए व्हाट इज क्रॉप सर? इन लार्ज एरिया सर, सर व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन लार्ज, सर प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज एरिया, द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स व्हिच इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया और फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप, राइट, है ना, सेम काइंड बहुत जरूरी, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है सेम काइंड है ना, एक ही तरीके का होना चाहिए। यदि अलग अलग वेराइटीज के पेड़ में लगा दिया हूं तो उसको क्रॉप नहीं बोलूंगा। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? क्रॉप का मतलब yes, बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप का लगा हुआ है प्लांट,
इट मींस अब मैं That उसको is क्रॉप correct. बोल सकता हूँ, है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन व्हेन द सेम काइंड ऑफ व्हेन द सेम व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड इट इज कॉल्ड अ क्रॉप राइट आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप क्रॉप्स क्रॉप राइट ऐसे यदि मैं पहले ही क्रॉप का डेफिनेशन बता देता तो लगता पता नहीं क्या है। अब देखिए आप लोग खुद बता दिया है ना। यस सर। तो इसलिए मैं सोचा था कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं क्रॉप का डेफिनेशन बताऊं। सर कंप्लीटेड। यस सर कंप्लीटेड। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको जितना पढ़ना है वी हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड यस एंड विद इन टू डेज। एंड आई होप कि आप लोग को सब चीज समझ में भी आ गया होगा और आपके माइंड में सब होगा एटलीस्ट। यस सर। एम आई राइट सर? यस सर। ऐसा तो नहीं कि माइंड में नहीं है सर, सारा चीज है। सारा चीज माइंड में है। तो शुड वी अच्छा अब आप लोग को क्या करना है, जो भी आपके पास बुक वगैरह हो ठीक है, जो भी आपके पास बुक हो जस्ट ट्राई टू राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके लिसन व्हाट आई एम टेलिंग यू एंड डू नॉट सेंड टू मी। ओके Do not send to me. It is for you only. यदि आप बुक पे ही पेंसिल से लिख लेते हो तो वो भी कर सकते हो, यदि आप कॉपी पे लिखना चाहते हो। एंड इफ यू आर फाइंडिंग आउट एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देन वॉट यू शुड डू एज आई एम मेंशन जस्ट टेक द फोटो ऑफ दैट एंड सेंड ऑन द ग्रुप 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 है ना। और जिनको भी आता रहेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द मीटिंग। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज सर कैन आई आस्क फ्रॉम एनी चैप्टर्स? यस यस यू कैन, बट इफ यू विल आस्क from the chapter that we have discussed, that will be more convenient to all of you, I think, to answer that question. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So because I'm facing some issue, that is why. Sir, पूछने दीजिए sir, कोई दिक्कत है ना? तो slowly we will move towards the next. Okay. तो should I start the next chapter? स्कूल टीचर फर्स्ट हैज कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, देन इन चैप्टर नंबर 4, देन इन चैप्टर नंबर 18, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 6. So, sir, there is no serial-wise he is teaching. He is teaching according to his syllabus, which he had made for examination. कोई बात नहीं, है ना? बस हम लोग को ये समझना कि हम लोग जो चीज भी पढ़े यहाँ पे वो एकदम माइंड में बैठ जाए क्लास के ड्यूरेशन में ही। ऐसा नहीं हो कि हम लोग को फिर से घर में बैठ के यार ओ ये समझ नहीं पाए थे यार, ये चीज स्टक ना हो, है ना? All of you got the point? Sir, yes, sir. I think we should start chapter number 4 because he has also started. So maybe he will give
that chapter in exam. Okay, we will reach to. जब तक आपका एग्जाम आएगा ना तब तक हम लोग वहां तक पहुंच चुके होंगे है ना, और आई थिंक कि वो उससे भी आगे पहुंच चुके होंगे. डू नॉट टेक टेंशन सर. इन एग्जाम द कमिंग चैप्टर इज 1 2 3 4 5 6 11 12 and 18. ओके, तो नाउ चैप्टर नंबर 2 एंड द टाइटल इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फोर. यस राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम होगा संडे को, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. दिस टाइम सर, यही टाइमिंग में. हाँ, इसी टाइमिंग में, और हो सकता है टाइमिंग में चेंज. ओके, आल्सो क्योंकि संडे रहेगा तो टाइमिंग में चेंज. ओके, यस सर, देयर इज बट मोस्ट प्रोबेबल इसी टाइम में होगा. ओके, तो फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसे वी आर फ्रेंड्स है ना. फू का मतलब क्या होता है सर? दुश्मन. एमनी दुश्मन. वेरी गुड, इसका मतलब हिंदी में बोले तो दोस्त, दुश्मन. और इसका मतलब, देखिए मेरा हिंदी हो सकता है कि गलत भी हो, तो प्लीज डू नॉट टेक टेंशन सर. पर लिखे आप सही हैं. अच्छा, सही लिखे थे यार. वेट, यस सर, अब गलत कर दिया यानी. ओके, चलो यार, कम से कम थोड़ा बहुत आता है हिंदी मेरे को लिखना. अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है. राइट, तो ये दिस इज द फैक्ट, दोस्त ही दुश्मन बनते हैं. यदि आपके दोस्त नहीं होंगे ना तो आपके कोई भी दुश्मन नहीं होंगे. और इफ यू हैव फ्रेंड इट मीन्स यू हैव द इनिमीज अराउंड यू, और आपके फ्रेंड नहीं है तो बस आपसे खुश इंसान ही पूरे दुनिया में कोई नहीं हो सकता. लेकिन फ्रेंड नहीं होते हैं तो मजा भी नहीं आता है ना. लेक पुलिंग कौन करेगा फिर. आइए, तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे सर ये थोड़ा बड़ा टफ वर्ड लग रहा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अच्छा, तो आइए कुछ देखते हैं सर. स्केल देखिए, स्केल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन स्केल? सर आई हैव सीन. राइट, तो आपने उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइन. सर आई थिंक एवरीवन हैज सीन. यस सर, है ना, ऐसे छोटे 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 लाइंस देखे होंगे स्केल पे. सर इतना छोटा छोटा नहीं होता. अरे मान लेते हैं है ना. अरे क्या हो गया, क्या हो गया, One note. Oh. अच्छा ये सेम मेरे पास है पर खुलता नहीं है. Okay, तो all of you have seen that scale. Yes sir. Yes. Scale आप लोग सभी लोगों ने देखा है. और यहाँ पे लिखा होता है 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 at a regular interval है हमारे. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, right. Sir, we have also drawn a scale. No, just I am drawing this for your understand. Understanding. To make us understand. Yeah. है ना? मान लेते इतना, वो उसमें तो रहता बहुत. No, yes. Micro means क्या होता है? Just try to understand. कि सर, बहुत छोटा. मैं बोलूँ कि सर ये one है. तो आप बोलेंगे यस सर ये तो क्लियरली विजिबल है सर. वेरी गुड सर. ये 2 है तो यस सर ये तो क्लियरली विजिबल है, इतना डिस्टेंस तो मैं खुद ही अपने आंख से देख सकता हूँ, अंधा भी रहूंगा फिर भी देख लूंगा. मतलब बात को समझिए. यस सर. अरे बात को समझिए, भावनाओं को. यस सर, समझ रहे. ठीक है, बट मैं बोलूं कि सर इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे अच्छा इसके बीच का डिस्टेंस दैट इज नॉट विजिबल है ना. हो सकता है कि छोटे बच्चे हो तो बोले कि नहीं ये नहीं है. इसी को बोलते हैं 1 millimeter, ये बोलते हैं आप 1 centimeter है ना. yes. और इसको yes. बोलते हैं 1 millimeter. तो ऑर्गेनिज्म का साइज, ऑर्गेनिज्म का साइज
ऑर्गेनिज्म का साइज से भी छोटा होता है जब लेस देन कितना सर, लेस देन 1 मिलीमीटर होने लगता है ना, तब हम लोग बोलते हैं कि अब हम लोग माइक्रो पढ़ने की जरूरत है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अच्छा, यस सर वहीं से होता है सर, है ना। जो चीज जैसे और क्या कहां से समझ सकते हैं, सबसे पहले क्या आया था सर, डायनासोर जो इतने ऐसे लंबे लंबे होते थे, है ना, ऐसे पता नहीं कैसे होते हैं, आई डोंट नो, फिर भी एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। Yes, ये मान लेते हैं डायनासोर, लग भी रहा है थोड़ा बहुत। यस सर, आई हैव मेड वेरी ब्यूटीफुल डायनासोर फॉर माय ब्रदर्स स्कूल गिवन डायनासोर। अब सर फिर इसके बाद कुछ आया, मान लीजिए एलिफेंट वगैरह है ना, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं एलिफेंट सर। डोड फिर ह्यूमन बीइंग, देखिए ह्यूमन बीइंग है, फिर इससे भी छोटा क्या आया सर, इससे छोटा डोडल लायन मान लीजिए, है ना, फिर इससे छोटा क्या आया सर, फिर मान लीजिए इससे छोटा आया सर डॉग, मान लीजिए इससे छोटा सर डॉग, से छोटा सर कैट, सर कैट से छोटा सर रैट, रैट से छोटा सर एंट, वेरी गुड, एंट से छोटा सर स्नेक, एंट से छोटा स्नेक, सॉरी सर रैट से छोटा स्नेक, हाँ रैट से छोटा एंट, एंट से छोटा सर अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म है ना, अर्थवॉर्म नहीं इंसेक्ट बोलिए, इंसेक्ट अच्छा सर, ये छोटा इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन सा है जिसे आप कभी ऐसा ऑब्जर्व किए हैं, अपने मम्मी से पूछेगा तो वो बताएंगे सर, आटा जब चालती है ना तो उसमें भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, वो देखिए कितना छोटा होता है, और वो आप यदि आटा को ऐसे देखोगे ना तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम चालोगे ना, आप जब चालोगे उसको तो दिखेगा, अरे यार ये देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉल कर रहा है ना, चलने पे क्रॉलिंग करता रहेगा, तब लगता है अरे बाप रे बाप अभी मैं इसको खा जाता, है ना, तब लगता है कि ओहो काश चाल लिए तो बच गए, नहीं तो अभी तो सीधे पेट में चला जाता, है ना। तो सोचिए वो सब छोटे छोटे, उससे भी छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो वैसे इंसेक्ट को देखने के लिए हम लोग डेवलप किए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो का मतलब समझ में आ गया, स्कोप का मतलब जिसके हेल्प से हम लोग देख सके, है ना, स्कोप का मतलब हम लोग जो देख ले, स्कोप भाई वहां का चीज देखना, स्कोप लगाओ भाई, स्कोप लगा बोलते हैं ना, यस सर। अब माइक्रो का मतलब छोटा, है ना, माइक्रो का मतलब छोटा, एकदम छोटा से छोटा चीज को, स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जो बड़ा करके दिखा दे उसी का नाम है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फ्रेंड एंड फो क्यों लिखा गया, बोल इसका मतलब ये है, Because sometimes it is helpful for us and sometimes it is dangerous for us. Very good, है ना? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेरे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको आ गए तो करंट लग के डिजीज हो सकता है ना। Yes, तो डिजीज हो जाएगा, तो भैया ऐसा कोई लाइफ चाहता है जिसके लाइफ में डिजीज हो जाए? नो सर, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। तो कहीं पे भी माइक्रोब्स यदि लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज द डेफिनेशन वी कैन राइट
of microorganisms we can write the organism that are the organism which is very small very good which we cannot see with visual eye. Yes, sir. Done? All of you have written? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Some microorganisms. Some microorganisms can be seen. Can be seen. Yes, sir. With the help of microscope. Microscopes. With the help of. Sir, some microorganisms or all microorganisms. Magnifying glass. You know. जो हम लोग देखते हैं सर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सर एक yes, मिलता sir. है ना जूम yes, वाला yes, एक ग्लास मिलता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास है ना उसको ऐसे करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट यस सर और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जैसा कि आप लोगों ने कहा माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी देखा जा सकता है अच्छा नाउ One question is coming in my mind. Can you tell me? Question. Yes, sir. Can you tell me maximum amount of harmful microorganism? Present in which place? If you want, I can give you hint too. Hint भी मैं दे सकता हूँ. Yes sir, give hint. Yes. किस place पे सबसे ज़्यादा microorganism पाया जाता है? Sir, जहाँ सर कचरा भिगाता है. Hands. Hands. कचरा भिगाता है. Okay. और कोई? Hand. Hand. Okay. और कोई? In water, in a damp water. Damp water. Okay, damp water. Okay. Someone else? Also in saliva. Sorry? Sir, also in saliva. Saliva. Okay. सबसे ज्यादा question है कि सबसे ज्यादा harmful microorganism. ध्यान से समझिए. हार्मफुल जो हम लोग को हार्मफुल पहुंचा सकता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अमाउंट में कहां पे प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अगल बगल सर एटमॉस्फेयर एयर एटमॉस्फेयर ओके नाउ सर ह्यूमंस के अगल बगल अकॉर्डिंग टू रिसर्च जानते हैं आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि बाप रे रिसर्च के बाद ये पाया गया That In human body. Menu card. आप जब होटल जाते हैं तो मेन्यू कार्ड आपको मिलता है Yes, sir. And door handle. Mobile phones. और अब के जमाने में मोबाइल फोन होने वाला है अभी तक रिसर्च हो रहा है उस पे Sir, one more. On the keyboard. अभी 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 तक जो रिसर्च हुआ है इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबसे ज्यादा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो ही जगह पाए जाते हैं सोच लीजिए इससे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके टॉयलेट के सीट पे भी नहीं होते जितना हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाए जाते हैं होटल्स के मेन्यू कार्ड पे और डोर हैंडल्स पे जिसको आप एकदम ऐसे पुल और पुश करने के लिए बोलता है आप एकदम मजे से करते हैं पुश या करते हैं पुल और फिर इनसाइड चले जाते हैं मॉल के या फिर किसी शॉप के तो बी केयरफुल है ना इसलिए बोला जाता है प्लीज सैनिटाइज योर हैंड
प्लीज सैनिटाइज योर एंड वाई क्या गवर्नमेंट मूर्ख है नो दे आर नोइंग द साइंटिस्ट हैज रिसर्च्ड दैट द मोस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन मेन्यू कार्ड एंड ऑन डोर हैंडल्स ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट सोच लीजिए सोचकर कैसा लग रहा है कि सर हाँ यार इससे कम पाया जाता है टॉयलेट के सीट पे ये सोचकर ही मतलब कि विश्वास नहीं कर सकते लेकिन दिस इज द फैक्ट ओके क्यों क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग जाके मेन्यू कार्ड ऐसे पढ़ रहे हैं ना होटल्स के डोर हैंडल्स बहुत सारे लोग टच कर रहे हैं तो जितने भी पॉपुलेशन है सबका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वहां पे एक्शन में है ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट इसलिए यस सर तो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन ओके यस सर ओके बाय थैंक यू बाय सर